हेलो दोस्तों, आपका धर्मशिला के किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह के इडली। देखिए, अगर आपको इस तरीके से इडली सॉफ्ट और टेस्टी खाना है, देखिए तोड़ के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट है ना। देखिए, आपको दबा के दिखा रही हूँ। उसी बैटर से मैंने चॉकलेट इडली भी बनाया है। इसमें हर्षी चॉकलेट भरा है, हर्षी चॉकलेट को मिक्स किया है, हर्षी स्प्रेड को बीच में मैंने भरा है। तो आप बाइट लेंगे ना तो बहुत टेस्टी यम्मी भी लगता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आप इसको हर्षी चॉकलेट के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं। ये आप सांभर या चटनी के साथ खाइए। देखिए, 2 गिलास चावल, 1 गिलास उड़द दाल और 1/2 पोहा। अब दोनों को मिक्स कर लेते हैं। पोहा को हम इसमें नहीं डालेंगे, उसको अलग बर्तन में भिंगो के रखेंगे। और थोड़ी सी मेथी के दाने, वो भी डाल लेते हैं। देखिए, पोहे को आधे घंटे पहले भिंगो के रख सकते हैं या साथ में। अब हम इसको साफ पानी से धो लेते हैं। पोहे को भी मैं साइड में भिंगो के रख दिया है। इसको भी भिंगो के 2 से 3 घंटे तक रख देते हैं फूलने के लिए। देखिए, 2 से 3 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको मिक्सर के जार में डाल के थोड़े थोड़े ढक्कन लगा के पीस लेंगे। बारीक पेस्ट तैयार करेंगे इसका। देखिए, पोहा फूल गया है। हमने साथ में ही भिंगो का अलग बर्तन में रख दिया था, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है ये भी। तो इसको थोड़ा थोड़ा डाल के हम भी इसको पीस लेते हैं। देखिए, आप चाहे तो साथ में भी डाल डाल के पीस सकते हैं। इसको पीस लेते हैं। देखिए, मैंने पोहा भी मिक्स करके पीस लिया है। इस तरह से आपको पेस्ट बनानी है, और ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा। तो देखिए, इतना अच्छा है ना। इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करके पीसिएगा, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम धीरे इसको एक बर्तन में रख लेते हैं जो पीस के मैंने रखा था। इसमें डाल लेते हैं। इसको 5 से 6 घंटे तक फॉर्मेंट होने के लिए रख देते हैं मिक्स करके। देखिए, हमारा 6 घंटा हो गया है, अच्छे से फॉर्मेंट हो गया है ना। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, एक बाउल में निकाल लेते हैं। एक बाउल में निकाल लिया। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेते हैं नमक को। देखिए, ये मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे चॉकलेट सिरप। इसको भी मिक्स कर लेते हैं आराम आराम से। अब इसमें डालेंगे, अपने सांचे में डाल लेते हैं, 1 चम्मच चॉकलेट जो बैटर बनाया था, 1 चम्मच स्प्रेड इडली, 1 चम्मच हमारा बैटर। अब इसको डाल लिया है। अब इसमें डालते हैं नमक वाला जो मैंने बना के मिक्स करके रखा था, इसको भी डाल लेते हैं। देखिए, मैंने गैस पे पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। देखिए, अब इसको हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं, बर्तन में डाल देते हैं। देखिए, इसको 15 से 20 मिनट तक स्टीम होने के लिए छोड़ देते हैं, ढक्कन लगा देते हैं। बीच में चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा, जल्दी पक जाता है। तो टूथपिक से हम चेक कर रहे हैं, हमारा पक गया है, नहीं लग रहा है, चिपक नहीं रहा है। निकाल लेते हैं इसको, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए, हमारा ठंडा हो गया है। अब एक नाइफ की मदद से
इसको निकाल लेते हैं इडली को धीरे धीरे आराम से, नहीं तो टूट जाएगा। बहुत सॉफ्ट है, देखिए कितना टेस्टी बना है ना, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो। देखिए धीरे धीरे सब निकाल लेते हैं, अब प्लेन भी निकाल लेते हैं। प्लेन इडली जो मैंने बना के रखा था उसी तरह ये भी निकाल लिया है मैंने। अब इसको परोस देते हैं। देखिए हर्षी चॉकलेट के साथ खाइए, और ये प्लेन सांभर या चटनी के साथ।